अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। मम्मी जी, पाकिस्तान में वो बसों के पीछे, ट्रकों के पीछे वो कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, कुछ मुहावरे लिखे होते हैं। कई दफ़ा तो हम उनके बहुत लाइट लेते हैं, शुगल मेले में पढ़ लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनका हकीकत से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जैसे लिखा होता है कि टाइम टाइम दी गल है, वक्त कभी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हाँ जी, वक्त कभी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इससे मुझे याद आया कि जी पहले चाइनीज टीचर्स स्टूडेंट्स को फ़ोन करते होते, फ़ोन करके पूछते थे कि तुम किधर हो, किधर हो, इतने दिनों से तुम क्लासों में नहीं आए और ना तुमने यूनिवर्सिटी वालों को अपनी शक्ल दिखाई, ऑफिस वालों को भी शक्ल नहीं दिखाई, तुम्हारी कोई खैर खबर। लेकिन अब देखें, कहते ना वक्त अपने आप को धराता है, वक्त कभी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब स्टूडेंट्स चाइनीज टीचर्स को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि लाउशर, क्योंकि लाउशर बेचारी तंग आ गई, फ़ोन उठा उठा के अब उठाती नहीं है, तो फिर टीचर वो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लाउशर तुम किधर हो, साडा फोन क्यों नहीं चकन रही, हाय हाय मैं इतनी देर होगी क्लास से भी नहीं ली, मेरा तो टाइम ज़ाया हो रहा है। टाइम ज़ाया हो रहा है, अच्छा और इतनी देर होगी, मैंने तो यूनिवर्सिटी की शक्ल भी नहीं देखी। पहले चाइनीज टीचर्स कहती थी कि आपने कोई खैर खबर दो, अब स्टूडेंट्स कहते हैं अब स्टूडेंट्स कहते हैं लाउशर कोई साड़ी भी खैर खबर ले लो, कोई साड़ी भी खैर खबर ले लो तो सानू बुला लो, ए बैन कदों उठना है। हाय हाय हाय, क्या बात है जी चाइना की। तो जी देखें जी, कहते हैं एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ जी, ऐसा भी हो जाता है, पर देखें जी टाइम वो भी नहीं रहा और टाइम ये भी नहीं रहना। तो जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।